नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियांग जोलियान को कॉल करती है, उसे बता रही होती है कि तुम्हारे सिखाने की वजह से मैं टेस्ट में पास हो गई और मुझे प्रमोशन भी मिल गया है। ये सुनकर लियान कहने लगता है कि ये अच्छी बात है। जियांग कहती है मैं तुम्हें इसके बदले में ट्रीट देना चाहती हूँ और अभी मैं तुम्हारे घर के बिल्कुल सामने हूँ, तुम कहाँ पर हो? वो कहता है कि मैं तो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ हूँ, किसी और दिन खा लेंगे। जियांग आगे से उसकी बात सुनने के बाद कहने लगती है कि अगर तुम मना करना चाहते हो तो सीधा मना कर सकते हो, इस तरह एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। लियान बताता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सच में बिजनेस पक गया हुआ हूँ, कल आता हूँ तो तुमसे ट्रीट भी ले लूंगा। अब लियान दिखाया जाता है जो असल में मिसिज जियांग से मिलने गया हुआ था, वो भी इसे देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो काफी टाइम बाद आए हो, मुझे तो तुम पहचाने भी नहीं जा रहे थे। लियान उनके पास कुछ बातें करने लगता है और जियांग के बारे में भी पूछ रही होती है, उसके बारे में बताती है कि काफी टाइम से मैं उससे मिली नहीं हूँ, क्या तुम्हें उसका कुछ पता है? उसने मुझे कॉल भी नहीं की। लियान कहता है हाँ मैं कुछ टाइम पहले ही जियांग से मिला था, वो बिल्कुल ठीक है, पर उसकी ग्रैंड माँ तो उसके बारे में बताने लगती है कि हमारे पास पैसे कम थे और मेरी तबीयत भी खराब थी, मेरी ट्रीटमेंट होने वाली थी इसलिए वो कॉलेज को छोड़कर कमाने के लिए गई थी और मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन मेरे लिए तुम ऐसा कुछ भी मत करो, अभी तुम्हें कॉलेज का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। पर जियांग ने जिद की कि वो कुछ ना कुछ पैसे कमा कर लाएगी इसलिए वो यहाँ से चली गई। वो पैसे तो बहुत कमा रही थी पर जब वापिस आई तो स्मोक और ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था उसने, ये देखकर मुझे कुछ होता था और मोहल्ले वाले भी उसको देखकर बातें करने लगते थे कि इस लड़की को क्या हो गया है, और मैंने तो उसे रोकने की कोशिश की, अपनी इस आदत को खत्म करने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो लाखों में पैसे कमाती थी। अब उनकी बातें सुनने के बाद लियान जो वापस आता है तो देखता है कि जियांग उसी के वेट में बैठी होती है। अब जियांग को ये पहले खड़े होकर देखने लगता है, उसे मिसिज जियांग की बातें याद आ रही होती है कि जब जियांग के पास जाता है तो जियांग उसे कहने लगती है कि तुम लेट क्यों होगे। अब उसे जियांग की हालत पर तरस आ रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसे ड्रिंक भी करने नहीं दे रहा होता। जियांग ने तो उसे प्रॉमिस किया था कि मैं 3 ड्रिंक के गिलास तुम्हारे साथ पीऊंगी। वो कहता है कि तुम मुझे रेस्टोरेंट में क्यों ट्रीट दे रही हो, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारी पे तो 2000 है ना। वो कहती है हाँ थोड़े पैसे लगा लिए तो क्या हुआ, और वैसे भी मुझे प्रमोशन मिल गया तो नेक्स्ट मंथ मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, तो इस पर कोई मसला नहीं है। अब लियान जो यहाँ पर उसे तीसरा ग्लास नहीं पीने देता और उसकी जगह खुद ही पी लेता है, और जियांग तो उसके पैसे भी उसे वापिस करने लगती है जो उसने कपड़ों और चीजों पर लगाए थे। अब उसे पैसे तो ले लेता है पर मिसिज जियांग वाली बात से उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरी चाहिए थी तो तुमने मुझे क्यों याद नहीं किया, तुम यहाँ पर क्यों वापिस नहीं आ गई, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मतलब, क्योंकि वो पहले वाली जियांग को तो नहीं जानती थी और ना इसे कुछ पता था कि वो किस तरह का बिहेव करती थी और इसका इससे क्या कनेक्शन था, पहले क्या बातें हुई थी इन दोनों में। लियान कहने लगता है कि मैंने अपने प्रॉमिस को तोड़ा जब मैंने बोला था कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और तुम्हें बगैर बताए ही यहाँ से चला गया था, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे बता दो, मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। अब लियान की बातें सुनने के बाद उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैम वो वाली जियांग नहीं हो जिसे तुम जानते हो, मुझे नहीं पता कि पहले वाली जियांग और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ था, पर जो भी हुआ वो एक पास था, तुम्हें इस पास को भूल जाना चाहिए। लियान कहने लगता है कि मैं पास को कैसे भूलूं, फिर उसकी बात मानकर पास को भूलने के लिए भी तैयार हो जाता है, और जब वहां से जा रहा होता है तो जियांग उसको जाकर रोकने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज तुम पास को भूल भी तो सकते हो ना, और जैसे मैं यहाँ पर आई थी तो सबसे पहले पर्सन तुम मिले थे, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, तुम्हें सब कुछ बताया, पर तुम तो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत दोस्तों की है क्योंकि मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है। उसकी बात सुनकर लियान कहने लगता है कि दोस्त? कहती है हाँ मुझे नहीं पता तुम्हारा और जियांग के साथ क्या रिलेशन था, अब अभी के लिए तुम मेरे दोस्त भी तो बन सकते हो ना, हम दोस्ती से स्टार्ट भी तो कर सकते हैं। अब ये सुनकर लियान उसका अपना अम्ब्रेला देता है और वो अम्ब्रेला को पकड़ तो लेती है, कहने लगती है कि ये इतना बड़ा तो तुम क्या इसमें नहीं आ सकते, पहले भी तो हम साथ में होते थे ना, ये कहकर वो उसे अंदर ले आती है। लियान भी उसको हग कर लेता है और कहता है कि अगर तुम सच में दोस्ती चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। ये सुनकर जियांग कहती है कि हम दोस्त हैं, इसका मतलब तुम्हें भी मेरी कभी जरूरत हो तो तुम भी मेरे पास आ सकते हो, सिर्फ मैंने ही नहीं आना। तो लियान भी कहता है कि ठीक है अब फ्रेंड, तो इन दोनों में फ्रेंडशिप हो चुकी थी, वो भी लियान के नंबर को फ्रेंड के नेम से सेव कर लेती है अपने डैड के नेम से हटाकर, और खुश होकर सो जाती है क्योंकि उसे दो एक दोस्त मिल गया था। अब नेक्स्ट डे जियांग काम पर दिखाई जाती है जहाँ पर वो लाइन में सब पर फ्रंट में आकर खड़ी हो जाती है, ये देखकर के सभी से सॉरी करने लगती है क्योंकि वो इनसे सीनियर थी जो आगे खड़ी थी, पर जियांग तो पीछे जाने के लिए तैयार ही नहीं होती और के भी उसको पीछे ले आती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं रूल्स के, सीनियर्स हमेशा आगे खड़ी होती हैं उसके बाद हम खड़े होंगे, तो वो कहने लगती है कि इसका मतलब तो वो
सारे कस्टमर्स को ले जाएंगी ना, हमें तो बारी ही नहीं मिलेगी। वह उसे समझाने लगती है कि यहाँ के ऐसे रूल्स हैं तो तुम्हें इन्हीं के हिसाब से चलना होगा, वरना ये हमारे सीनियर्स हमें बहुत ही ज्यादा टफ टाइम भी दे सकते हैं। अब सभी को कस्टमर्स मिल चुके थे और के भी अपना काम कर रही होती है। काम करने के बाद जब बाहर आती है तो देखती है कि जियांग तो अभी तक वहीं पर खड़ी होती है, उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं होता। तो के कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास कोई भी कस्टमर नहीं है। वो कहती है कि हाँ जाहिर सी बात है, जब सामने सीनियर खड़े हूँ तो आपको कस्टमर कहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को भी पता है कि वो पुरानी है, वो कभी भी आपके पास नहीं आते। इतने में एक और कस्टमर आ जाती है जो आकर के से कहती है कि मेरे हेयर वॉश कर दो। और के भी उनके जाने के बाद जियांग से कहती है कि जाओ तुम जाकर कर दो, मैं थोड़ी थक गई हूँ। तो जियांग काफी खुश हो जाती है और उनके हेयर वॉश और मसाज करने लग जाती है। उसे तो मसाज से काफी मजा आ रहा होता है। कहने लगती है कि तुम तो काफी अच्छा कर लेती हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी सीनियर भी अच्छा नहीं कर पाती, बस उन्हें काम करते हुए ज्यादा टाइम हो गया है, इसी वजह से सब उन्हीं के पास आते हैं। तो अब से मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगी। जियांग तो ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे इसी से एक आइडिया आता है। वो आकर के को भी बता रही होती है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि कस्टमर्स हमें ढूंढे, हमें उन्हें ढूंढना ना पड़े, हमें उन्हें स्पेशल सर्विस देनी चाहिए जिससे हमें वो याद रखें। अब के और जियांग दोनों ही कस्टमर्स को काफी अच्छे से ख्याल रखना स्टार्ट हो जाती है। उन्हें फ्रूट्स और जो भी उन्हें चाहिए होता है वह उन्हें लाकर दे रही होती है और साथ साथ ये भी बताई जा रही होती है कि मेरा नेम ये है और मेरा नंबर 27 है और आप मुझे यहाँ से जाने के बाद ऑनलाइन अच्छा रिव्यू देना। वो भी खुश होकर कहती है कि ठीक है हम अच्छा रिव्यू देंगे। और इसी तरह ऑनलाइन वेबसाइट पर वो बहुत ही ज्यादा फेमस होती जा रही थी, हर कोई इन्हीं की ही तारीफ कर रहा होता है। ये देख देख कर तो उसकी सीनियर्स काफी जालिस हो रहे थे, यहाँ तक के क्लाइंट आने के बाद भी हेला को चूज नहीं करता बल्कि 27 वाली लड़की को ढूंढ रहा होता है। हेला कहती है कि वो नहीं आई तो वो भी खड़ा हो जाता है कि मुझे किसी से भी नहीं करवाना। इतने में अंदर से जियांग आ जाती है जो बताती है कि मैं ही 27 हूँ। अब वो खुश होकर उसके साथ चला जाता है कि मैंने रिव्यू पढ़े थे, तुम्हारे बहुत अच्छे रिव्यू थे। ये देख देख कर हेला और बाकी सब तो काफी जलस हो रही होती हैं। तो जियांग भी कल से फ्री होने के बाद लियान को सारी बातें बता रही होती है तो इतना खुश होकर कि उनके फेस देखने वाले थे जब कस्टमर्स मेरे बारे में पूछते हैं। लियान तो देखे ही जा रहा होता है कि देखो कैसी ये बातें मुझे बता रही है और इस काम से कितना खुश है। और उसके साथ वो ड्रिंक भी करने लग जाता है और उसकी खुशी में खुश भी होने लगता है। नेक्स्ट डे आता है तो जियांग काम पर होती है और अपने बॉस के पास आती है, उनसे बातें कर रही होती है। जियांग फेंग उसे बता रहा होता है कि मैं हेड ऑफिस में जा रहा हूँ। वो कहती है कि हेड ऑफिस क्यों, ये तो आपका और लियान का काम नहीं है। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा एक हेड ऑफिस भी है जिससे हम सब चलते हैं, वो जो कुछ भी हमें कहे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब तुम्हें स्मार्ट बनकर दिखाना है और किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी और अच्छे से हर चीज को चलाना। जियांग भी काफी खुश होती है और अपने बॉस के कहने पर काम भी करने लगती है। यहाँ हमें हेला दिखाई जाती है जिसकी कस्टमर उसके पास आती है और सबसे पहले उसके कपकेक का बोलती है। वो कहती है कि उसमें पीनट ना हो क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है। अब हेला उसके लिए कपकेक लाने के लिए चली जाती है। दिखाया जाता है कि जहाँ बाहर जियांग जो कस्टमर का वेट कर रही होती है वही हेला पर आकर उसे कहती है कि क्या तुम मेरे कस्टमर को डील कर सकती हो। तो वो कहती है मैं तुम्हारे कस्टमर को डील क्यों करूँ जब वो तुम्हारा कस्टमर है। तो वो कहती है पर वो तुमसे ही हेयर वॉश करवाना चाहती है। अब ये सुनकर जियांग को जाना पड़ता है और वो आने के बाद पूछती है क्या आपको हेयर वॉश करवाना है। तो वो बताती है कि नहीं मैं हेला का वेट कर रही हूँ। ये सुनकर जियांग वहाँ से जाने लगती है पर वो जाते हुए उसे रोककर कहती है मैंने कपकेक का भी बोला था। अब जियांग खुद भी उसके लिए कपकेक लेने के लिए जाती है और जब फ्रिज से निकाल रही होती है तो के को उदास लेकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। पर के तो काफी इनोसेंसी होती है, वो कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, अगर सीनियर ने हमसे बदला लेने का सोच लिया तो वो हमारे साथ बहुत बुरा करेंगी। तो जियांग उसे समझाती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती और तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। वो जो कपले केक लेकर जा रही होती है के उसे जाते हुए रोक लेती है। उससे पहले वो उसे कुछ बताती है, हेला उसे आवाज देती है के मेरी आवाज सुनो, क्योंकि उस कप केक में इशू ये था कि हेला ने कप केक्स को बदल दिया था, उसने सही वाले छुपा दिए थे और पीनट वाले ही फ्रिज में पड़े हुए थे जिसे लेकर जियांग जा रही थी और यही बात वो उसे बताना चाहती थी लेकिन हेला के डर से वो उसे नहीं बता पा रही थी। अब जियांग को भी समझ नहीं आ रहा होता के उसे क्या बात करना चाहती थी। अब वो हाथ में पकड़ा कप केक को भी देख रही होती है और फिर कस्टमर को देने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही वो पहला बाइट लेती है तो जल्दी से वो उसे निकाल देती है, कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये जानबूझकर तुमने किया, मैंने बताया था ना कि मुझे पीनट से एलर्जी है। और ये भी कहकर जाती है कि देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती। अब जियांग भी इस बात से हेला से लड़ने के लिए आ जाती है जो कस्टमर को डील कर रही होती है और वहाँ पर तो अच्छी खासी फाइट हो जाती है। जियांग कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता ना चाहिए था ना कि उन्हें पीनट से एलर्जी है और पास में उनके कोई वीडियो भी बना रहा होता है। इतने में वहाँ पर उनकी सुपरवाइजर आ जाती है जो आकर उन
दोनों को डांटने लगती है, कहने लगती है कि तुम दोनों को शर्म आती है, कस्टमर्स के सामने ही लड़े जा रहे थे। ये तो अच्छी बात है कि किसी भी कस्टमर्स को कुछ नहीं हुआ। अब जैन को इस बात का पता लग चुका था कि के ने इसके साथ ऐसा धोखा किया है, उसे इसे बताना चाहिए था। के तो आकर उससे सॉरी करने लगती है, पर जैन कहती है कि अब बस कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगी। अब हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म हो गई है, मुझे लगता था कि तुम मेरी दोस्त हो। वो आगे से रोने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मुझे हेला ने धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया तो उसका अगला टारगेट मैं होंगी। तो जियांग कहती कोई बात नहीं, तुम जाओ। अब के भी उसकी ये बात सुनने के बाद वहां से चली जाती है और जियांग उदास होती है। फिर उसे याद आता है कि मैं तो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आई हूँ, मुझे इन चीजों से ज्यादा ये फिक्र होनी चाहिए कि मैंने यहाँ से वापिस कैसे जाना है। अब जियांग भी बैठकर सर्च करने लग जाती है और उसको वही वाला आर्टिकल मिल जाता है जो किसी और ने नहीं बल्कि लियान ने अपने फ्रेंड के बारे में लिखा हुआ था, और बताता है कि मेरा शो फ्रेंड ऐसे डिसअपियर हो गया कि किसी को वो याद ही नहीं, जैसे कि वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स टीचर सब उसे भूल गए। अब ये भी स्कूल की पिक्स वगैरह देख रही होती है और उसका सर्च कराना स्टार्ट हो जाता है और पता चलता है कि ये भी उसी स्कूल में पहुंच चुकी थी। वो कोई उसे आवाजें दे रहा होता है, यहाँ तक कि लियान को भी वहां पर कोई आवाज दे रहा था। अब यही बातें उसके साथ में घूम रही होती हैं तो पता चलता है कि जैंग तो हॉस्पिटल में पहुंच चुकी, और वहीं पर उसे होश आता है और लियान के देखकर उसे पूछती है कि मैं दोबारा से बेहोश क्यों हो गई। तो वो बताता है कि कुछ भी नहीं, शायद तुम ज्यादा थक गई थी इस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। अब वो उसे मेडिसिन भी दे रहा होता है, उसका अच्छे से ख्याल भी रख रहा होता है। अब ये जब हॉस्पिटल का बिल देखती है तो उसे देखकर लियान की तरफ देखने लग जाती है। अब लियान भी उसको फेस को देखकर बता देता है कि तुम यही कहना चाहती हो ना कि जैसे तुम्हारी पे आएगी तो तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी। तो जियांग भी आगे से स्माइल करने लगती है कि हाँ सच में मैं यही कहना चाहती थी। और इधर सैलून का क्लिप दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ने वो वीडियो देख ली थी जिसमें जियांग आकर हेला पर चीख रही होती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और ये वीडियो बनाकर किसी ने पोस्ट भी की हुई थी। जियांग को तो इस बात का पता भी नहीं था। वो जैसे ही सैलून में आती है तो उसे लड़ने के लिए हेला आ जाती है कि मुझे पता है कि तुमने ही वो वीडियो बनाई थी। वो कहती है कि कौन सी वीडियो। हेला कहती है कि इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। इतने में वहां पर फिर से सुपरवाइजर आ जाती है जो हेला का साथ देते हुए वहां से भेज देती है। उसके जाने के बाद जियांग से कहती है कि तुम सस्पेंड हो तब तक के लिए जब तक बॉस वापस नहीं आते, और वो जैसे ही वापस आएंगे तो तुम्हारे बारे में सोच लेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या करना है। और इतने में उसे चैंग फेंग की कॉल आ जाती है जो इसे कॉल करते डांटने लगता है कि मैं अगर यहाँ पर आया हुआ हूँ तो तुमने वहाँ पर क्या किया है और वो वीडियो पोस्ट क्यों की। वो कहती मैंने वो वीडियो बनाई ही नहीं और ना ही पोस्ट की, मैंने ऐसी हरकत करनी होती या आपके सैलून को कुछ करना ही होता तो मैं यहाँ से छोड़ जाती, जैसा कुछ करने की क्या जरूरत थी। पर वो कहाँ उसकी बात मानने वाला था। अब कॉल कट हो जाती है और जियांग भी सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। और यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू।